हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के गणित को। कक्षा 10 में अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपका समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5, और उसमें भी चल रहा है अपना एक्सरसाइज 5.2। उसकी पहली क्लास हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हैं। हमने 5.2 के सवाल कर लिए थे बेटा, तीन हो गए थे ना। आगे बात करते हैं चौथे सवाल की, लेकिन चौथे सवाल पर जाने से पहले हम कुछ चीज़ देखते हैं और उसमें फ़र्क देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा AP 2, 4, 6, 8 डैश डैश 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद। और एक फिर मैंने AP और लिखा AP 2, 4, 6, 8 डैश डैश ये 20वां कर लो, डैश डैश 20। ये दो समांतर श्रेणियाँ लिख रखी है बेटा। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों समांतर श्रेणियों में कोई फ़र्क है क्या? कोई भी चीज़ का कुछ भी फर्क है क्या? ध्यान से देखो, किसी भी प्रकार का कोई फर्क दिख रहा है क्या आपको? यानी और तो कोई फर्क नहीं है, डिजिट सारे सेम है, लेकिन इसमें एक चक्कर ये आ रखा है कि ये तो 20वां पद लगा रखा है, इसमें कुछ नहीं लगा रखा, यही फर्क है। अब देखो, अब इस AP का मतलब क्या हुआ, हमें क्या ज्ञात करना है इसका? 20वां पद, मतलब ये जो 20 आया है ये किसका मान है यहाँ पे? अब सुनो, जिसके साथ वां पद लगा हो या पदों तक लगा हो, वां पद लगा हो या फिर बेटा पदों तक लगा हो, तब तो जो अंतिम मान होता है ना वो होता है हमेशा ही n का मान, ठीक है। जिसके साथ, जैसे इसने बोल दिया AP का 20वां पद ज्ञात करो, मतलब ये 20 जो है वो किसका मान है? n का मान है। अगर 20 पदों तक बताओ तब भी n 20 जो होता है वो किसका मान होता? n का मान होता। लेकिन नीचे जो AP दी 2, 4, 6, 8 डैश डैश 20, इसमें जो 20 है जिसके साथ कुछ नहीं लगा, वो हमेशा ही किसका मान होता है? an का मान या फिर sn का मान होता है। और sn तो बहुत ही कम देता है आपको, मोस्टली an ही देता है। तो ये मान के चलो जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता वो किसका मान होता है? an का मान होता है। और जिसके साथ वहाँ पद या पदों तक लगा होता है वो किसका मान होता है? n का मान। 5.2 में अगर ये फर्क आप समझ गए ना तो पूरी चैप्टर आराम से हो जाएगी बेटा, क्योंकि गलतियां कहां होंगी? इसी मान में गलतियां होंगी। हम ये होगा n का मान लेकिन हम इसे an बिठा देंगे, ये होगा an का मान लेकिन गलती से हम इसे n बिठा देंगे। तो n कौन सा होता है? जिसके साथ वहां पद या पदों तक लगा हो तब तो होता है वो n का मान, और जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता तब वो होता है आपका an का मान, ठीक है। अब देखो ये सवाल, चौथा सवाल ऐसा ही है। एक AP दे रखी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? एक AP है 3, 8, 13, 18 और सवाल पूछ रहा है इसका कौन सा पद जो है वो 78 है। देखो जरा सवाल नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश लास्ट में दे रखा है कौन सा पद 78 है, लास्ट में 78 दे रखा है। अब मेरी सुनो, इसमें ये जो 78 है वो किसका मान है? an का मान। अभी मैंने बताया था अगर वहाँ पद लगाए तो वो n का मान है, अदरवाइज वो an का मान है। इससे मैं a का मान ढूंढूँ तो a का मान कितना है? 3। d ढूंढूँ तो 8 - 3 यानी 2 - 7 5। और ये जो है वो अभी आपने बोला किसका मान है? an का मान कितना है? 78। अब an का सूत्र जानते हो आप, क्या होता है an का सूत्र? an होता है a+(n-1)·d बराबर है 78। अब मैं सारे के सारे जो मान दे रखे हैं वो सारे के सारे मान बिठा दूंगा। a का मान 3 है प्लस n का मान पता नहीं, ज्ञात करना है कौन सा पद है, मतलब n का मान तो ज्ञात करना है। और d का मान जो है वो है 5 बराबर है 78। प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, तो n-1 × 5 बराबर 78 - 3 यानी n-1 = 78 में से 3 गए 75 बच गए, और ये 5 गुणा में था इधर आएगा तो भाग में, तो n-1 = 15। माइनस का एक इधर आया तो प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया? 16। तो इस AP का 16वां जो पद होगा वो कितना होगा? 78 होगा। आगे बात समझ में? आगे देखो इसका 5वां, निम्न समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? पद बताने हैं कितने पद है। सवाल दे रखा है आपको 5वें का, पहला और दूसरा दोनों सेम सवाल है बेटा, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ दूसरा, क्योंकि भिन्न में दे रखा है और पहला उस जैसा ही है, हल अपने आप करूँगी। यानी बेटा यही सवाल है, चौथे जैसा का जैसा सवाल है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। AP दे रखी है 18, उसके बाद 15 से ही 1/2, उसके बाद 13, फिर डैश डैश माइनस का 47, ये दे रखा है। आपसे पूछ रहा है इसमें पदों की संख्या बताओ कितनी है, तो पहले वही बात आती है -47 किसका मान है?
ए एन का मान है क्योंकि कुछ नहीं दे रखा इसके साथ। तो यहाँ से अगर बेटा मैं ए का मान देखूँ तो 18, डी निकालूंगा तो ए टू माइनस सेवन करूँगा तो डी बराबर ए टू। दूसरा पद देखो जरा, 15 दो 30 और एक 31 बटा दो माइनस ए वन का मान बटा कुछ नहीं है तो एक लगा सकते हैं। लघुतम लिया, लघुतम आ गया दो, दो से दो कट गया 31 माइनस 18 दुआ 36 कितना बच गया भाई, माइनस का 5 बटा दो डी का मान आ गया। ये जो माइनस 47 है ये किसका मान बताया आपने, ए एन का मान। और ए एन का सूत्र आप जानते हो, ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी बराबर माइनस 47। मान बिठा दो, ए का मान 18 प्लस एन का मान पता नहीं और डी का मान अभी निकाला माइनस का 5 बटा दो बराबर है माइनस 47। माइनस के 18 इधर आएंगे तो प्लस के 18, तो एन माइनस एक गुणा 5 बटा दो माइनस का बराबर माइनस 47 और माइनस 18 तो एन माइनस एक बराबर ये कितने हो गए भाई 8 7 15 आंसर लग गया 1 4 5 और 1 6 माइनस के 65। और ये माइनस 5 बटा दो गुणा में है इधर आएगा तो पलट के भाग में आएगा, तो पलट के भाग में लेके हुए तो बेटा क्या हो गया 2 बटा माइनस 5 है ना भाई, दो भाग में इधर आया तो गुणा में, 5 गुणा में इधर आया तो भाग में, माइनस से माइनस कट गया 5 एक 5 13 5 65 तो एन माइनस एक बराबर आ गया 13 दुआ 26। माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का एक तो एन बराबर 26 और एक 27। सेम वो का वो सवाल था, सिर्फ डिजिट चेंज हुए हैं। और इसका पहला जो सवाल है ना पाँचवें का, सेम यही चीज़ है, लास्ट में ये मान दे रखा है, लास्ट में इसने दे रखा है आपको 205 और 205 के साथ कुछ नहीं जोड़ रखा, मतलब वो किसका मान है, ए एन का। ए एन का सूत्र लगाओगे, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन का मान आपको ज्ञात करना है। आगे पूछा है छठा सवाल, क्या ए पी 11852 का एक पद माइनस 150 है क्या, आपसे पूछ रहा है क्या इसका कोई पद माइनस 150 हो सकता है क्या, वो चेक करना है आपको। होगा तो कितने नंबर का होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, दोनों कारण देने हैं आपको। हो रहा है तो बताओ कितने नंबर का हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। देखो बेटा छठे में, छठे सवाल में आपको एपी क्या दे रखी है, 11852 और दो ये एपी है। आपसे पूछ रहे हैं इस एपी का कौन सा पद जो है वो कितना है माइनस 150। अब इस माइनस 150 के साथ वहाँ पद नहीं लगा, ये बात ध्यान करेंगे ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ए का मान देखें तो ए का मान कितना है 11, डी निकालें तो निकाल सकते हैं ए टू माइनस ए वन कितना बच गया माइनस 3। ये किसका मान है, ए एन का, कितना है माइनस 150। ए एन का सूत्र लगा दिया, ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी बराबर माइनस 150। मान बिठा रहा हूँ, ए का मान 11 प्लस एन का मान पता नहीं और डी का मान माइनस का 3 बराबर है माइनस 150। प्लस के 11 इधर आएंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे तो एन माइनस एक गुणा माइनस 3 बराबर माइनस 150 और माइनस के 11, यानी एन माइनस एक गुणा माइनस 3 बराबर माइनस का 161। माइनस 3 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो बचा क्या एन माइनस एक बराबर माइनस 161 बटा माइनस 3। माइनस से तो माइनस कट गया बट 161 से 3 नहीं कट रहे, माइनस का एक इधर आया तो प्लस का एक तो एन बराबर 161 बटा 3 प्लस एक, तो एन बराबर लघुतम लिया 3, 161 प्लस 3 एकम 3 तो एन बराबर कितना आ गया भाई 164 बटा 3। क्या अब 3 से कट रहे, कट अब भी नहीं रहा, पूरा पूरा मान नहीं आ रहा, तो एन का मान जो है वो कितना आया 3 चौके 12, 3 5 15 एक बच गया 14, 3 चौके 12 2 बच गए 20, 3 छिके 18, 3 छिके 18 एन का मान आ रहा है 54.66। एन क्या होता है बेटा, एपी में एन होता है पदों की संख्या, ए एन होता है एनवां पद ठीक है, पदों की संख्या। और पदों की संख्या कभी आपने सुना कि ये कोई श्रृंखला है जिसमें 4.5 पद है, 3.5 पद है, 2.5 पद है या 2.75 पद है, यानी पदों की संख्या कभी भी भिन्न में नहीं आ सकती या दशमलव में नहीं आ सकती, पूरी पूरी आती है। यानी ऐसे मैं ये कहूँ कि इस कमरे में 4.5 कुर्सियाँ हैं, अब 4.5 2.5 पंखे हैं या 2.5 पंखे हैं, ऐसा कैसे हुआ, यानी संख्या जो है वो पूरी पूरी होती है, कभी दशमलव में या भिन्न में नहीं हो सकती। और यहाँ पे संख्या किस में आ गई, भिन्न में भी है और दशमलव में भी है, तो हम क्या लिखेंगे, और किसकी संख्या है पदों की, तो हम लिख देंगे पदों की संख्या
भिन्न संख्या नहीं हो सकती। इसलिए इस एपी का कोई भी पद -150 होगा क्या? नहीं होगा। अगर यहाँ पे पदों की संख्या पूरी पूरी आ जाती ना, जैसे 164 पूरा आ जाता या फिर 54 पूरा आ जाता, तो हम बोलते कि इसे पदों की संख्या क्या नहीं, इसलिए इस एपी का 54वां पद 150 होगा। लेकिन यहाँ पे पूरी पूरी नहीं आई, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इसका कोई भी पद -150 नहीं हो सकता। बस सिंपल सा सवाल था। आगे देखो सातवां सवाल। उस एपी का 31वां पद पूछ रहा है, 31 मतलब A31 पूछ रहा है आपसे, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये सवाल बेटा अब आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों की तरह हल होंगे, जिसमें समीकरणें बनेंगी और उनको हल करना पड़ेगा। देखो जरा क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर है ये आपका 7वां। एपी का 31वां पद याद करो, 31वां पद तो आपसे पूछ रहा है, जबकि इसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद दे रखा है बेटा आपको 38, और 11वें पद को हम क्या बोलते हैं बताओ? A11 बोलते। एपी का 11वां पद तो 11 होता है और कितना है 38 है, और 11वें पद का व्यापक रूप हम क्या लिखते हैं बताओ? A+10D बराबर 38। अब न तो A का मान न D का मान, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। आगे इसने क्या बोला, इसका 16वां पद 73 है, 16वां पद यानी A16 और 73 है। अब 16वें का व्यापक रूप देखें तो क्या होता है भाई, A+15D बराबर है 73 नंबर। तो ये दो समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्मों से हल करने की विधियां जानते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, उनसे हल करेंगे। विलोपन विधि बड़े आराम से लग रही है, गुणांक समान है, निशान भी समान है, तो समीकरणें घटानी पड़ेंगी। तो 1 - 2 घटाऊंगा तो नीचे वाली संख्या अपना निशान बदल लेगी। ये ए खत्म हुआ, 15D में से 10D गए माइनस का 5D, और ये फिर घटेंगे तो 13 में से 8 गए 5 बच गए, 6 में से 3 गए 3 बच गए, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का, -5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो D बराबर क्या हो गया भाई, -35/-5 यानी D बराबर 7। ये जो D का मान आया, इसे हम समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं रख रहा हूँ समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखा तो A का मान पता नहीं, +10 गुणा D का मान है 7 बराबर है 38। तो A+10 = 70 बराबर है 38, प्लस के 70 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो A बराबर कितना आ गया भाई, 38 - 70 यानी A बराबर बच गया आपके पास 32, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 32 बच गए। ठीक है, A आ गया, D आ गया, आपसे कौन सा पद पूछ रहा था, 31वां पद। अब निकालेंगे हम A31, व्यापक रूप क्या होता है, A+30D। तो A31 बराबर A का मान माइनस का 32 है, +30 गुणा D का मान 7 है, तो A31 बराबर -32 +7 = 21, 210 हो गए। तो A31 बराबर घटेंगे तो 10 में से 2 गए 8 बच गए, 10 में से 3 गए 7 बच गए, और 1 का 1, तो इसका 31वां पद जो है वो कितना मिलेगा आपको, 178 मिलेगा। ठीक है, यानी सिर्फ समीकरणें बनानी है, हल करना है। अब आगे वाला सवाल देखो, एक एपी में 50 पद है, सेम ही सवाल है, एपी में 50 पद है, टोटल पद जो है वो 50 है, तीसरा पद 12 दे रखा है, इसकी सिर्फ समीकरण बना के दूंगा मैं, तीसरा पद कितना दे रखा है बेटा 12, और तीसरे का व्यापक रूप लगाऊं तो कितना हुआ, A+2D बराबर 12, पहला समीकरण। और अंतिम पद जो है वो 106 है, अंतिम पद। अब इसने ये नहीं बोला कि कितने नंबर का पद, अंतिम पद बोला है, और इसने एक बात शुरू में बोल दी, एपी में पद कितने हैं, 50 पद है। अब मैं कहूँ एपी में 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा बताओ जरा, 50वां होगा। तो इसने वो अंतिम पद की जगह नाम दे दिया सिर्फ घुमाने के लिए, क्योंकि इसने पदों की संख्या शुरू में बता दी, शुरू में तो बोला 50 पद है और लास्ट में कह रहा है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां होगा, यानी A50 होगा, और A50 जो है वो 106 बता रहे हैं। अब A50 का सूत्र लगाऊँ तो क्या होता है, A+49D बराबर है 106, समीकरण नंबर दूसरा।
एक में से दो को घटा देंगे, एक गुणांक भी समान है निशान भी समान है, घटा दिया कितना बचा यहाँ पे, तो माइनस का 47 डी बचा और ये घटेंगे तो 6 में से दो गए 4 बच गया, 10 में से एक गया 9 बच गया और 0 का 0, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का, माइनस 47 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस 94 बटे माइनस का 47 डी बराबर कितना बच गया भाई 2 आ गया। ये जो डी का मान आया इसे एक नंबर में रख दो, एक में रखा तो a प्लस 2 गुणा डी का मान 2 बराबर है 12, तो a प्लस के 4 इधर जाएंगे माइनस के, 12 माइनस 4 यानी 8, a का मान आ गया 8, d आ गया 2। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था AP में इतने पद है तो इसका 29वां पद बताओ, 29वां पद मतलब a 29, सूत्र क्या होता है a प्लस 28 डी, ए का मान 8 है प्लस 28 गुणा डी का मान 2 है, 28 दुआ 56, 56 और 8 कितने हो गए भाई 64 हो गए, ये ठीक है। अब आता है इसका 9वां सवाल, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है, तीसरा पद दे रखा है और 9वां पद दे रखा है, तीसरा तो कह रहा है 4 है और 9वां पद कह रहा है, वो कह रहा है माइनस का 8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, जीरो बताओ इसका कौन सा पद, कितने नंबर का पद जो है वो इसका जीरो होगा, वो हमें ढूंढना है। तो पहले जो चीज़ें दे रखी है उनसे हम कुछ कंडीशन बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से पद की बात कर रहा है जो जीरो बनेगा। देखो भी सवाल नंबर 9, हमें इसने बोला कि सी ए पी का तीसरा और 9वां पद जो है वो 4 और माइनस 8 है, तीसरा पद जो है वो तो है 4, अब तीसरा पद है मतलब A3, 9वां सवाल था, तीसरा पद मतलब A3 जो तो है 4, तीसरे का सूत्र लगाऊं तो a प्लस 2d बराबर हो गया 4, समीकरण नंबर 1। फिर इसने बोला इसका 9वां पद जो कि है माइनस 8, 9वें का लगाऊं तो a प्लस 8d बराबर है माइनस 8, समीकरण नंबर 2। इनको हल करो ताकि हमें a और d का मान मिलता रहे, a और d का मान मिलने के बाद हम आगे की बात देखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 में हम गुणांक देखें तो a के गुणांक समान है और निशान भी समान है, तो क्या करने पड़ेंगे, जोड़ूँ या घटाऊँ, घटाना पड़ेगा तो घटा दिया, ये प्लस का ये माइनस, ये माइनस ये कट गए, 8d में से 2d गए माइनस का 6d, 8 और 4 हो गए 12, माइनस 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर 12 बटा माइनस 6 यानी माइनस का 2। ये जो d का मान हमें मिला माइनस 2, इसे हमने एक नंबर में रख दिया ताकि हमें a का मान मिल जाए, a प्लस 2 गुणा d का मान माइनस 2 बराबर है 4, यानी a माइनस 4 बराबर 4, माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस का, तो a बराबर 4 प्लस 4 यानी a का मान आपको मिल गया 8। a आ गया बेटा, d आ गया, आपसे न तो a पूछा था न इसने d पूछा था, आपसे ये पूछा था कि इसका कौन सा पद जीरो होगा। अब सुनो मेरी बात, आपको इसने पूछा कौन सा पद जीरो होगा, हमें नहीं पता इसका कौन सा पद जीरो होगा, तो हमने मान लिया, माना AP का 9वां पद क्या होगा जीरो, 9वां मतलब कोई सा भी 15वां 20वां 25वां कोई सा पद जो है वो क्या होगा जीरो होगा। और 9वें पद को हम लिखते क्या है भाई, an लिखते, an क्या होगा जीरो होगा, an का सूत्र तो जानते ही हैं, a प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर होगा जीरो। मान बिठा रहा हूँ, a का मान कितना है 8, प्लस n का मान पता नहीं और d का मान कितना है माइनस 2 बराबर होगा जीरो, प्लस के 8 इधर आएंगे माइनस के 8, तो n माइनस 1 गुणा माइनस 2 बराबर माइनस 8, माइनस 2 गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर माइनस 8 बटा माइनस 2 यानी n माइनस 1 बराबर 4, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, तो n बराबर 4 प्लस 1 यानी n का मान आ गया 5, मतलब इस ए पी का 5वां पद जो होगा वो क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। यानी सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है सवाल को और सवाल आराम से चलता जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। आगे नंबर 10 देखो, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है, 7 अधिक है, तो इसका सारवंत्र बताओ कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इसने भाषा में आपको थोड़ा चक्कर में डालने की कोशिश की है। किसी एपी का
सत्रहवां पद दसवें पद से सात अधिक है। कोई एपी है उसका सत्रहवां पद और एक है उसका दसवां पद। इसने बोला सत्रहवां जो पद है वो दसवें पद से कितना अधिक है? सात अधिक है। अब बेटा इनमें बड़ा कौन है बताओ? सत्रहवां पद बड़ा है। अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? इसने बोला सत्रहवां पद दसवें पद से सात ज़्यादा है और हमें दोनों को बराबर करना है, तो या तो इसमें से दस कम कर दें तो बराबर हो जाएंगे, या इसमें दस जोड़ दें तो सात जोड़ दें तो बराबर हो जाएंगे। तो इसमें मैंने सात जोड़ दिया, दोनों क्या हो गए? बराबर। सत्रहवें पद का व्यापक रूप क्या होता है भाई? ए प्लस 16d। और दसवें का क्या होता है? ए प्लस 9d, प्लस में है सात। ए से ए गाँव गया, प्लस का 9d उधर जाएगा, माइनस का 9d, तो 16d माइनस 9d बराबर सात। 16 में से 9 गए सात, 9 और 7 16 है ना, 7d बराबर सात। सात गुणा में इधर आएगा तो फिर भाग में, तो d बराबर 7/7, यानी d बराबर कितना आ गया भाई? एक। यानी सारवंतर ही पूछा था जो कितना होगा? एक होगा। ठीक है, आगे कह रहा है नंबर 11, कितने हैं इसमें? 20 है। एक दो और कर लेते हैं ताकि बाकी कल पूरे, कल ये ख़त्म करनी पड़ेगी हमें, लंबा हो जाएगा बना। 11वां सवाल कह रहा है कि वही एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद जो है जो इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा होना चाहिए? कौन सा पद है, यानी कितने नंबर का पद है जो इसके 54 नंबर का जो पद है उससे भी 132 अधिक हो? हमें दोनों का ही नहीं पता, तो पहले जो एपी दे रखी है उससे संबंध देखते हैं। देखो एपी दे रखी है नंबर 11 में 3, 15, 27, 39 --। अब सवाल ये कह रहा था कि इस एपी का कौन सा पद है जो इसके 54वें पद से भी 132 ज़्यादा हो? हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम चाहें तो मान सकते हैं, माना एपी का 90वां पद किसके बराबर होना चाहिए? इस एपी का 90वां पद बराबर होना चाहिए इसके 54वें पद से भी, 54वां पद मतलब A54, और इससे भी कितना ज़्यादा? 132 ज़्यादा होना चाहिए। तो इस एपी का 90वां पद जो हमें ज्ञात करना है वो क्या होना चाहिए? 54वें से भी 132 ज़्यादा होना चाहिए, वो हमने मान लिया है। ठीक है, एपी दे रखी थी, ए निकाला तो 3 आया और डी निकाला तो 15 - 3 यानी 12 आया। 90वां पद कह रहा था तो 90वें पद का मतलब एन होता है जो हमें ज्ञात करना है। बराबर ए 54वें का व्यापक रूप लगाऊँ तो बेटा ए प्लस 53d होता है और प्लस का पड़ा है 132। एन का सूत्र लगा दिया, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर ए। ए का मान भी अगर आप चाहो तो बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं सीधा कट कर दूंगा इसको। 53 गुणा डी का मान कितना है? 12 और प्लस 132। ए से तो ए गया गाँव, यहाँ पे क्या बचा? एन पता नहीं, गुणा डी का मान हमें पता है 12 बराबर 53 का 12 से गुणा, 12 + 36 असील 3, 12 + 5 = 8 और 3 = 63 और प्लस 132। तो एन माइनस 1 गुणा 12 बराबर ये हो गए 6 + 2 = 8, 3 और 3 = 6, 6 और 1 = 7, 12 गुणा में इधर आएगा तो फिर भाग में, तो एन माइनस 1 बराबर 768/12। एन माइनस 1 बराबर 12 + 5 = 60, 12 + 6 = 72 हो गए, 4 + 48 हो गए, 12 + 4 = 48। माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का, तो एन बराबर 64 और 1 = 65, यानी इस एपी का 65वां जो पद होगा वो 54वें पद से भी क्या होगा? 132 ज़्यादा होगा। ये सवाल था। आगे नंबर 12 कह रहे हैं दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, कोई दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताओ। कोई दो एपी है बेटा, हमें दोनों का ही नहीं पता, तो दोनों एपी हम मान लेंगे। देखो हमने दो एपी मान ली, एक तो पहली एपी यहाँ पे लिख ली और दूसरी एपी मैंने यहाँ पे लिख ली। पहली एपी के पदों को मैंने बोला बेटा A1, अब हमें पद तो है पता नहीं थे, हमें मानना पड़ेगा, तो मैंने इसके A1, A2, A3, A4 मान लिया इसके पदों को, तो और इसके पदों को भी हमें मानना पड़ेगा, तो इसको हमने A1 - A2 -
और ए थ्री डैश मान लिया। अब डैश इसलिए माना बेटा ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि जिसके ऊपर डैश नहीं लगा वो तो पहली श्रेणी है, जिस पे डैश लगा है वो दूसरी श्रेणी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इसने क्या बोला, इन दोनों एपी के अगर 100वें पदों का अंतर करें, यानी इसका 100वां पद और इसका 100वां पद और दोनों को घटाएं तो 100 बचता है। तो इसका 100वां पद निकालो पहले, तो 100वां पद इसका ए 100 हो जाएगा सीधा। सूत्र क्या होगा बेटा, ए प्लस 99 डी, ठीक है। और एक बात इसने ये बोली थी दोनों के, अब पहले वो लिख लो, इसने ये कहा था कि दोनों समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है, एक जैसे हैं। तो अगर इसका सार्वंतर आप डी ले रहे हो तो इस वाले का सार्वंतर क्या होगा भाई, डी होगा या डी डैश होगा, डी डैश होगा। इसने बोला था सार्वंतर समान है, डी ही होगा, डैश नहीं लगेगा फिर, क्योंकि सार्वंतर समान बोला था इसलिए डी डी आ गया। अब इसका 100वां पद निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसने 100वें पदों का अंतर बोला तो 100वां पद निकालूंगा। तो ए प्लस 99 डी आएगा बेटा, ए का मान ए ही है, चाहो तो ए वन कर सकते हो। और इधर इसका 100वां पद निकालूंगा तो क्या होगा, ए डैश 100 डैश लगेगी इस पर, और क्या लग गया, ए डैश प्लस 99 डी, डी वैसा का वैसा। अब इसने बोला कि इसके 100वें पद में से इसके 100वें पद को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो घटाओ ज़रा, ए 100 में से ए डैश 100 करो, तो ए 100 का मतलब मान तो था ए प्लस 99 डी, माइनस का निशान, ए डैश 100 का मान था ए डैश प्लस 99 डी, बाहर माइनस था तो आगे की संख्या ब्रैकेट में बंद होगी, तो ए 100 माइनस ए डैश 100 बराबर ए प्लस 99 डी प्लस माइनस माइनस ए डैश हो गया, प्लस माइनस माइनस 99 डी हो गया। ये कट गया, ये कटेगा नहीं क्योंकि एक ए और एक ए डैश है, तो ए 100 माइनस ए डैश 100 बराबर क्या बच गया बेटा, ए माइनस ए डैश। और किताब वाले ने बोला था कि 100वें पदों का जो अंतर है वो कितना है, 100 है, तो इन दोनों का अंतर तो वो तो है 100, किताब वाले ने बोला था किताब के हिसाब से, तो 100 है, अपने हिसाब से क्या है, ए माइनस ए डैश है, ये बात याद रखेंगे। एक नंबर आ गया। हमसे कौन से पदों का अंतर पूछ रहा था, 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा था, मतलब इसके 1000वें पद में से इसका 1000वां पद घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो इसका 1000वां पद निकालो ज़रा, ए 1000 निकालूं तो क्या आएगा, ए प्लस 999 डी आएगा, ये लीजिए। और इधर इसका 1000वां पद निकालूंगा तो ए डैश 1000 आएगा, सूत्र होगा ए डैश प्लस 999 डी। अब दोनों को अंतर चाहिए हमें तो घटा दो, ए 1000 में से ए डैश 1000 घटाओ बेटा, घटाऊंगा तो ए 1000 का मान तो था ए प्लस 999 डी, माइनस का निशान, अब ये लिखा जाएगा, ये बाहर माइनस से बेटा तो अंदर वाली संख्या निशान बदलेगी, इसकी तरह मैं सीधा ही लिख रहा हूँ निशान बदल करके, ए डैश माइनस 999 डी, समझ में आया माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस था, अगर ब्रैकेट लगाऊंगा तो माइनस से हो जाएगा। ये अंतर आपको चाहिए तो ये आपस में कट गया, बचा क्या, ए 1000 माइनस ए डैश 1000 बराबर ए माइनस ए डैश, और ए माइनस ए डैश का मान हमने अभी निकाला था कितना आया था, 100 आया था, तो इसकी जगह हम क्या बिठा सकते हैं, 100 बिठा सकते हैं। तो ए 1000 माइनस ए डैश 1000 अगर हम देखें दोनों के 1000वें पदों का अंतर तो कितना मिलेगा हमें, 100 मिलेगा, यानी 1000वें पदों का अंतर भी कितना आएगा इसके, 100 ही आएगा। ये सवाल था आपका नंबर 12। अब 8 सवाल है वो कल की क्लास में ख़त्म हो जाएंगे, उसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश, उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग, बाकी जो है वो आएगा आपकी कल की क्लास में। आशा करूँगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले लें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।